हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा संत के चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे दांतों में होने वाली बीमारी के बारे में। दोस्तों अधिकतर लोगों को मुंह में पैरिया हो जाता है और मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है और जिसके कारण मुंह से बहुत ही गंदी बदबू आती है। और जब हम किसी से बात करते हैं तो कई लोग बोल पड़ते हैं कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। तो ये जो सुनने में लगता है बहुत ही अजीब सा, और हम उस समय मना करते रहते हैं, नहीं नहीं हमारे मुंह से बदबू नहीं आ रही। तो दोस्तों इस पैरिया को ठीक करने के लिए आइए बात करते हैं प्राकृतिक आयुर्वेद के अनुसार कि इसे कैसे ठीक किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले सेंधा नमक मैदे की तरह बारीक पीस कर कपड़े से छान लीजिए। ध्यान रहे रगड़े नहीं। ऐसा नमक 2 ग्राम हथेली पर रख कर उसे 4 गुना सरसों तेल डालकर फिर अपने हथेलियों के ऊपर रख करके तेल की बूंदों से उंगलियों से मसूड़ों की हल्की हल्की भली प्रकार से मालिश कीजिए और ऐसा प्रतिदिन कीजिए। खून निकले तो निकलने दीजिए। कुछ देर नमकीन तेल की मसूड़ों पर मालिश होने के बाद भीगा बचा नमक दांतों और दाढ़ों पर लेप की तरह उंगलियों से लगा लीजिए और उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लीजिए। कुछ दिन तक अपने दांतों को साफ करते रहिए इसी तरह से, तब जा करके आपके दांतों से ठंडा, गरम, खट्टा जैसे लगने वाली जो झंझनाहट होती है दांतों से वे खत्म हो जाती है तथा आपके दांत मजबूत बन जाते हैं तथा दांत साफ हो जाते हैं। और दांतों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो दांतों में परत जमे हुए होते हैं काले टाइप के, वे भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों मसूड़ों के रोगों को दूर करने के लिए सेंधा नमक और सरसों तेल काफी फायदेमंद है और यदि नियमित रूप से इसे किया जाए तो हमारे दांत बहुत मजबूत और दीर्घायु रहते हैं और दिखने में भी सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों ये थे आयुर्वेद के अनुसार अपने दांतों को कैसे सुरक्षित रखें तथा पैरिया जैसे रोगों से कैसे मुक्त होएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय।